हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल अप एंड स्टॉक सॉल्यूशन फॉर गेटीएससी एंड पीएसयू। और आज हमारे साथ कनेक्ट है डॉक्टर अनिल सक्सेना, जो कि मैन हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। वेलकम टू द गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल सर। नमस्कार शुभम, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ आज तुम्हारे जरिए से। ये तुम्हारे जितने भी लोग सब्सक्राइबर्स हैं जो तुम्हारे साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब बच्चों को, उन सब छात्रों को, उन स्टूडेंट्स को, सबको, जिस भी उम्र के जैसे वो लोग हुए, उन सबको मैं अपना नमस्कार करता हूँ। और पहली अवसर पे मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मुझे मैं तुमको और उन सबको धन्यवाद प्रदान करता हूँ जो हम लोगों को अभी देख रहे हैं और हमारी बातें सुनने के लिए वो तैयार हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि इतने नए लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलेगा, ये नई पीढ़ी के लिए मुझे कुछ करने का अवसर प्राप्त होगा, ये मेरी बहुत प्रसन्नता और आनंद का विषय है। लेकिन मैं एक संशोधन कर दूं कि मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ और मैं जरूर, मैंने 32-33 साल मैंने सर जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में अपनी सेवाएं करी है और साथ में गाँव में भी जाकर को मैंने सरकारी कार्य को किया। तो सर, मैं आपसे स्टूडेंट की सारी प्रॉब्लम होती है। आज शुभम किस विषय पे अपन बात करना चाहते हैं? सर, स्टूडेंट की एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है। जैसे कि स्टूडेंट एक दिन पढ़ा, फिर वो दूसरे दिन नहीं पढ़ता है, फिर तीसरे दिन नहीं पढ़ता, तो मतलब जो कंसिस्टेंसी डेली डेली पढ़ने वाला, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट कैसे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करे पढ़ाई में। बहुत ही सुंदर बात है शुभम, ये बहुत बड़ी समस्या है ज्यादातर लोगों की, चाहे वो कोई भी चीजों को जिसको वो सीख रहे होते हैं, कई बार वो उनका मन लगता नहीं है और वो जबरदस्ती किसी के कहने से जब किसी सब्जेक्ट में घुसते हैं। कोई आदमी कभी कोई गेम्स के लिए करता है, कोई संगीत के लिए करता है, कोई और इंजीनियरिंग के लिए करता है, कोई गणित सीखने के लिए जा रहा है, और लेकिन ये बात पॉसिबल होती है कि वो आदमी कभी कभी उस विषय में इंटरेस्टेड ना हो। मैं आपको पहला सूत्र ये कहता हूं कि अगर आप जिस विषय को सीख रहे हो उस विषय में आपकी रुचि नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप संभावना ये है आपका मन लगेगा नहीं और आप उस विषय को सीखोगे नहीं। तो सर, पहले तो जैसे आपने बोला कि रुचि होना चाहिए सब्जेक्ट में। हाँ, तो रुचि की बात ऐसी आ रही है कि पहली तो बात यह है कि या तो हम जिस सब्जेक्ट को हम सीख रहे हैं उसमें रुचि पैदा कर लें, या हम अपने रुचि के विषय को ही सब अपना सब्जेक्ट बनाएं। संसार में बहुत ज्यादा जो सफल लोग हुए हैं उनकी ये एक कहानियां हैं कि बहुत कहानियां इस बारे में प्रचलित हैं कि उनने पढ़ा कुछ और किया कुछ और, क्योंकि वो पढ़े तो जो कुछ थे वो थे, लेकिन उन्होंने जब जीवन में वो उतरे और उन्होंने देखा कि यार मेरा तो इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज में। कोई आदमी ने इंजीनियरिंग पढ़ लिया और लेकिन उसको गाने बजाने में इंटरेस्ट, कोई आदमी ने गाना बजाना सीखने की कोशिश किया लेकिन उसके अंदर तो एक इंजीनियर बैठा हुआ था। तो इस बात को पहचानना सॉरी कि हमारे भीतर में क्या बैठा हुआ है, हमारे भीतर में क्या चीज है जो निकलना चाह रही, तो उस चीज को निकालने के अगर हम प्रयास करेंगे तो एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा ठीक ठीक तरह से, आप अपने को एक्सप्लोर कीजिए। कम उम्र में हमको बहुत सी चीजें आकर्षित करती हुई दिखाई देती, कभी हम सोचते हैं कोई हमारे माँ बाप कुछ चाहते हैं, हमारे पड़ोसी कुछ चाहते हैं, हमारे भाई बहन कुछ चाहते हैं, कोई हमसे कुछ कहता है, कोई कुछ कहता, और कोई कहता तुमसे तो ये बनेगा ही नहीं, कोई कहता तुमसे ये बनेगा, तो इस तरह से बहुत सी बातें आपके बारे में दूसरे लोग कहते हुए चलते। आपको मजबूती तभी आएगी जब आप खुद अपने आप को जानोगे, और अगर आप दूसरों की राय पे, दूसरों की सलाह पे, दूसरों के ऊपर आप निर्भर होगे तो बहुत अच्छा ये काम नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता होनी चाहिए कि आपको मजा किस में आ रहा है। आपको रुचि का मतलब क्या कि किस चीज में आपको मजा आ रहा है। अगर आपको फिजिक्स में मजा आ रहा है इसका मतलब फिजिक्स आपको सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर आपको केमिस्ट्री में मजा आ रहा है आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए,
आपको जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में, जीवित जगत में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप इंटरेस्टेड कहाँ हो, आपको इंटरेस्टेड जहां हो आप, जिस विषय को आप, आपको गाने बजाने में इंटरेस्ट है आपका, वो जीवन का व्यवसाय की बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको किसमें मजा, आपको कौन से काम में बिना, अभी मैं आपको एक उदाहरण से कहता हूँ कि मैं, मुझे संगीत में बहुत रुचि रही शुरू से, और मैं रात में कहीं 12 बजे के बाद फिल्म देख करके भी आता था, सेकंड शो के बाद भी, तो मैं आकर के थोड़ी देर हारमोनियम में एक आध गाना गाता था तभी मैं सोता था। तो ये, लेकिन मैंने, मुझे कुछ पता नहीं था इस बारे में जो मैं आज आपसे बात कह रहा हूँ, उस समय मुझे पता होता तो मैं शायद संगीत को अपना व्यवसाय चुनता और मैं बहुत सफल उसमें हो सकता था, क्योंकि मुझे किसी के कहने की जरूरत नहीं थी, मुझे कोई बहादुरी कर रहा था कि मैं उस वहां पे रात में 12 बजे हारमोनियम खोलूं और थोड़ा सा गाऊं, ये कोई मेरी मजबूरी नहीं थी, मुझे इसके लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे था, कोई दबाव नहीं था, लेकिन मैं कर रहा, मतलब अपने मन से मुझे उसको सीखने की इच्छा होता। अब यदि आपको जबरदस्ती सीखना पड़ रहा है किसी विषय को तो समझ लो कि वहां आपका रुचि नहीं, दूसरों के कहने से मन को लगा। हाँ। शुभम, हाँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्टूडेंट्स के लिए भी बात कह रहा हूँ, हाँ। कि जो आप मन को जबरदस्ती लगाओगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप चाहते हो कि आप पूर्णतया कुशलता प्राप्त करो तो बहुत बड़ा सूत्र ये है कि आपको अपनी रुचि को ही व्यवसाय बना लेना पड़ेगा। और सर वो एक चीज हमें मुझे पूछना था स्टूडेंट के लिए, वो जो बोलते हैं कि 21 डेज में कोई भी हैबिट चेंज हो जाती है, तो यदि अच्छा। यदि हम सर 21 डेज तक कोई भी स्टूडेंट पढ़े, उसको इंटरेस्ट नहीं किसी सब्जेक्ट में, और वो वही सब्जेक्ट 21 डेज तक पढ़े, तो क्या सर वो सब्जेक्ट उसकी रुचि का सब्जेक्ट बन जाएगा? ये इस तरह की बात कहना कि 21 डेज में हैबिट्स बदल जाती है, ये कोई फॉर्मूलेबाजी है और मैं ऐसे आंकड़ों पे भरोसा करता, और मेरा स्वयं का अनुभव है कि कोई 21 दिन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात, आप जिस चीज को बार बार रिपीट करते हो वो आपके सिस्टम में आना शुरू हो जाता है, चाहे वो खराब चीज हो कि अच्छी चीज हो, लेकिन फिर भी जो जो अपन जहां से बात कर रहे हैं कि हम लोग जबरदस्ती क्यों करें अपने साथ, हम उस चीज को जो हमारा अंदर का मन है, हमारी अंदर की जो लाइकिंग है, जिस विषय को पसंद करती है, हम क्यों नहीं उस विषय में जाए, वो विषय कोई कौन सा है ये हमें पता लगाना है, और ये आप स्वयं ही लगा सकते हो। नए लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक होता ये कि वो बहुत जल्दी उनकी, आज वो सोच रहे थे कि कोई कह रहा था कि मैं तो हवाई जहाज का पायलट बनूंगा, कल वो कहने लगता रेलवे का पायलट बनूंगा, कोई कहता फिर वो अनिल में तो कोई और गाड़ियां चलाऊंगा, लेकिन एक चीज अगर कॉमन आ रही है कि कोई चीज चलाना चाह रहा, ड्राइव करना चाह रहा, तो वो आदमी मशीन का आदमी हो गया, वो मशीन को हैंडल करने की कुशलता हासिल कर। तो ये इस तरह से कोई आदमी, हर आदमी को अपनी अपनी रुचि का पता लगाना पड़ेगा, अपने अपने इंटरेस्ट का पता लगाना पड़ेगा, और अगर ये कोई करने लगे तो पहला सूत्र, और इसके लिए हमको थोड़ा मेडिटेटिव डिसिप्लिन में जाना चाहिए, हमको थोड़ा ध्यान करना चाहिए, हमको थोड़ी, अब ध्यान का मतलब क्या, आप जिस पे जिसको अटेंड कर, ध्यान बेसिकली अपन कह रहे हैं, जैसे अपन लोग अभी बात कर रहे हैं और बात सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और हम लोग सोच भी रहे हैं साथ में, ये एक माइंड प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इसमें हम लोग जो अगर बिल्कुल फोकस, हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये अटेंशन हमारी यहाँ पे मौजूद है, तुम्हारी अटेंशन, मेरी अटेंशन, वी आर फुल्ली अटेंडिंग द थिंग विच इज हैपनिंग नाउ, दिस मीटिंग वी आर अटेंडिंग इट इन फुल, इससे नहीं बढ़ रहे हमारे, हमारे टुकड़े टुकड़े में नहीं, हमें कि हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ हमारे हाथों का मूवमेंट अलग है, कुछ हमारे सोचने समझने की शक्ति अलग है, लेकिन हम एक माइंड इफेक्ट में जा रहे हैं। तो इस तरह से वो अगर हम अटेंड कर रहे हैं हम किसी चीज को, तो ये मेडिटेशन हो जाता है। हम जब कुछ जैसे मिलिट्री की भाषा में कहा जाता अटेंशन, सावधान। अब देखिए सावधान शब्द क्या है, सा धन आ धन अवधान, साधन अवधान,
अवधान है, यानी ध्यान में फिर ध्यान आ गया। ध्यान मतलब पूरी तरह से ध्यान से अगर हम बात कर रहे हैं, अभी मैं तुमसे ध्यान से बात करता हूं या ध्यान से सुनता हूं तुम्हारी बात, या जो लोग हमारे जो जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो अगर ध्यान से देखते सुनते हैं तो गुणवत्ता बदल जाए, तत्काल प्रभाव से एक चमत्कार घटेगा, हम विषय को बहुत अच्छी तरह से समझने लग जाएंगे, उसकी गहराई तक, उसके भीतर तक हमारा प्रवेश हो जाएगा, चाहे वो तुम्हारी इंजीनियरिंग हो, चाहे तुम्हारी गणित हो। जैसे कल मैंने कहा अभी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट, अभी ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सीख रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम भी सीख रहे हो उनके साथ में, ये डबल दो टू वे गेम है। मैंने कल भी तुमसे कहा था कि तुम भी सीख रहे हो तुम्हारे उन लोगों सबके साथ, सच है सर। एक और क्वेश्चन था सर। हाँ जी। तो सर जैसे सर अभी के स्टूडेंट का मन बहुत चंचल हो गया, वो किसी एक चीज पे स्थिर टिकता नहीं है, जैसे कि मैं जनरल एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट, मैं फर्स्ट डे देखता हूँ कि स्टूडेंट की बहुत सारी संख्या में आएंगे, 400-500 स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो संख्या कम होने लगती, फिर वो धीरे धीरे 40-50-30 ऐसी संख्या गिरने लगती, तो क्या वो मतलब बहुत चंचलता है। और एक चीज और होती है, जैसे कि आज कोई यूपीएससी वाली मूवी देख ली किसी ने कलेक्टर वाली, तो वो कलेक्टर बनने का सोचेगा, कल किसी ने इंजीनियर वाली देख लिया तो इंजीनियर बनेगा, फिर उसके बाद डॉक्टर वाली देख लिया तो फिर वो डॉक्टर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बयान कर रहे हो, ऐसा ही होता है, और कम उम्र में ऐसा होना स्वाभाविक है। यस सर। एक युवा व्यक्ति के मन भांति भांति से भटकता है, ये खराबी नहीं है, ये उसकी एक ऊर्जा नहीं है, और अभी उसको टारगेट कोई नजर बना नहीं है, टारगेट नजर भी नहीं आ रहा है, उसको खुद को पता नहीं कि उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, कहां उसकी कुशलता है, कहां उसकी अकुशलता है, वो कुछ भी उसको पता नहीं। तो हम इसको खराबी नहीं कह रहे, लेकिन हमने पहले ही कहा कि अगर आप किसी विषय में इंटरेस्टेड तो ये चीज पहले ही जाती रहेगी, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भटकाव बहुत ज्यादा होगा, अगर इंटरेस्ट है तो भटकाव कम होगा। और जैसे जैसे आप अपने सब्जेक्ट को समझना शुरू कर देंगे, चाहे वो गणित हो कि कलाएं हो या फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी हो या टेक्निकल कोई चीज हो, मशीन का मूवमेंट हो, किसी चीज को सॉफ्ट साइंसेज हो, तो अब चाहे वो कोई फिजिकल वर्क हो, अपन फिजिकल वर्क को कमजोर नहीं कर देंगे, फिजिकल वर्क का अगर प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन जो फील्ड में काम कर रहा है, अगर प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन ना हो, अगर मिस्त्री ना हो तो मकान भी नहीं बन सकेंगे, लोहा बांधने वाले ना हो तो वो सब काम भी जरूरी है। आप तो खाली नक्शा इंजीनियरिंग में आप खाली नक्शा दे देते हो, आप कहते हो तो ऐसे ऐसे बांधो, और बांधने के लिए तो स्किल्ड वर्कर लगते हैं, उन वर्करों की भी जरूरत होती है। आजकल कई बार सब टेक्निकों से पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों से ज्यादा एक प्लम्बर की कमाई हो सकती है, एक मिस्त्री की कमाई हो सकती है, एक लोहार की कमाई हो सकती है। तो ये आप समझिए कि जो बढ़ी की कमाई हो सकती है, तो स्किल्ड वर्कर जो है वो, या हम कहें कि बांसों की बड़ी बड़ी चीजें, अच्छी सुंदर सुंदर चीजें बन रही, वो एक जरिया हो सकता, लेकिन इसके लिए सबके लिए आपको सबसे पहले, अब अगर आप बांस का काम करना चाहते तो आपको बांस अच्छा लगना पड़ेगा जरूरी। तो ये एक खबर है कि हम सबसे पहले विषय को करना चाहते हैं, वो हमको आकर्षित करता है कि नहीं, हमको बांस आकर्षित करते हैं, बांसों का जंगल कैसा लगता, नहीं लगता अच्छा, आप मत जाइए उस पर। आपको मशीन अच्छी लगती, आपको ड्राइविंग अच्छी लगती, आपको तो गाना गाना अच्छा लगता, आपको क्या अच्छा। अब आप कहोगे कि भाई नहीं मुझे खाना खाना अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये कि आप खाना बनाना सीखो। यस सर। अगर आपको खाने में ही रुचि है, और अगर आप खाने की चीज को उठाते हो और आप बता देते हो कि इसमें कितना, इसमें नमक ठीक डाला है, मसाला है, इसको थोड़ा और भूनना था, ये थोड़ा और कच्चा रख देना था, थोड़ा ज्यादा भून दिया, ज्यादा तेल हो गया, ज्यादा नमक हो गया, अगर आप सामने लाते से देख करके ही बताना शुरू कर देते हो तो आप अच्छे रसोइये बन जाओगे, बड़े कुक बन जाओ। और अभी अभी सर एक चीज चल रही है, और खाने में रुचि है, और खाने के भिन्न भिन्न चीजों को बना, वो कैसे बनती है इसको जानने में भी रुचि है, और आप उनकी बारीकियों को समझना शुरू कर देते हो तो बेहतर है कि आप रसोईया बन जाओ। यस सर।
भी बहुत पैसा कमाते हैं, पैसा तो वो आदमी कमाएगा जो कुशल। यस सर, ये सर नहीं, आप क्या कर रहे हैं इसका सवाल नहीं है। कोई काम छोटा है नहीं संसार, और कोई काम बड़ा नहीं। अगर आप सोचो कि बड़ा ही नहीं हो, नहीं बिछाने वाला इलेक्ट्रिशियन नहीं हो तो काम कैसे होगा, बिल्डिंग कैसे बनेगी। तो स्किल्ड वर्कर की तो कभी भी समाज में कमी, काम की कमी, उसको बेरोजगारी, बेरोजगारी की जो लोग बातें करते हैं वो लोग बेरोजगार हैं जो कि कोई स्किल नहीं लेते। मेरी नजर से बेरोजगारी जैसी कोई चीज नहीं है, ये जबरदस्ती का हल्ला है। आप स्किल प्राप्त करो, और स्किल उस विषय में प्राप्त करो जिसमें आपकी इंटरेस्ट। अगर आप स्किल प्राप्त करते हो तो बेरोजगारी आप पकड़। और सर जो बेरोजगारी कौन बोलता है सर, पता है जो लोग की सिर्फ बोलते ही सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं, और वो सब और वो किसी चीज में कुशलता प्राप्त नहीं करते। हाँ, कुशलता कहाँ प्राप्त कर। हाँ, अगर कुशलता प्राप्त कर रहे हैं तो बाधा समाप्त, क्योंकि कुशल हुए तो कहाँ कुशल, और कुशल आप तब होते हो। मैंने एक और बात मैंने कही कि कई लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास तो कुशल होने के लिए, स्किल्ड होने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के हमको काम करने को, हमारे पास पैसे नहीं। हम उस के साथ काम करने लगो जो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर, उसके अंडर में काम करने लगो, आप बहुत जल्दी सीख जाओ, और हो सकता है आप उससे भी अच्छा सीख जाओ। चीजें हैं जिनको हमको ठीक ठीक समझना पड़े। और सर अभी जैसे इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, तो मैं कह रहा हूं शुभम के जो जो भी चीजें हैं जहां पर कि हम बेरोजगारी को लेकर के जरूर बातचीत, हमें आगे चल के अगले एक पूरा बात मैं चाहूंगा एक अपन लोग पूरा एक वीडियो करें जिसमें कि हम बेरोजगारी के ऊपर ही बात करें कि बेरोजगारी आखिर है क्या और क्यों हो रही है या क्यों हो सकता। बेरोजगारी को अगर आप ठीक से समझना चाहोगे, अगर आप नौकरियों के संदर्भ में बात करते हो तो बेरोजगारी तो आएगी। यस सर, क्यों का एक टेक्निकली भी एक रीजन है। एक तो बहुत सारे लोग एक ही काम को कर लेना चाहते हैं, एक ही चीज सी चीज। इंजीनियरिंग कॉलेज सब कितने सारे हो गए मध्य प्रदेश में कहो, भारत में कहो, और सब एक ही तरह की शिक्षा दे, कोर्सेज उनको किसी तरह से कंप्लीट करना है और वो कोर्सेज सिखा दे रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा, मैंने क्यों कहा कि सूत्रों को होते हुए देखो, सूत्र को वस्तुतः होते हुए देखो, उसको मटेरियलाइज करो। अगर आप मटेरियलाइज नहीं करते, प्रोडक्ट तो मटेरियल में बिकता है ना। यस सर, प्रोडक्ट मटेरियल में बिकता है। अभी कोई चीज आपने इंजीनियरिंग में एक डिजाइन बनाई, आपने ग्राफिक तैयार किया, अब उस ग्राफिक को प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना, मकान में कन्वर्ट करना, दुकान में कन्वर्ट करना, फैक्ट्री में कन्वर्ट करना, ये तो एक प्रैक्टिकल काम होगा। यस सर, तो इसको हम ये देख रहे हैं कि हम अगर शुरू से ही हम एप्लीकेशन में जाने लगते, यानी अगर मटेरियलाइज करते हुआ सूत्रों को मटेरियलाइज होते हुए देख। अब ये बात जरूर है कि कब किसी ने जो ऋषि मुनि हम हमारे जो वैदिक साइंसेस जो होती थी उसमें मटेरियलाइज कर जो जो श्लोक थे, सूत्र थे, वो सूत्रों को मटेरियल में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता। अभी हमको उसी पे जाना पड़ेगा, किसमें कि हम हमारे इंजीनियरिंग के जो आप लोग फार्मूले पढ़ रहे हो उनको मटेरियलाइज करो। मटेरियलाइज मतलब आप जो याद करने की कोशिश कर रहे हो जिस फार्मूले को, उस फार्मूले को याद तो करो, मेमोरी में ले जाओ, खराबी नहीं। यस सर, उसको याद करो बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन साथ में आप उसको एक्चुअलाइजेशन करो, रियलाइजेशन करो, आप उसको वस्तुता हो, क्योंकि ये थ्योरी तो है नहीं खाली, इसी से तो कंप्यूटर्स बन रहे हैं, इसी से तो सारा मशीनें बन रही हैं, इसी से तो ये जो सूत्र है वो आपके नए नए मशीनों को, नए नए कंप्यूटर्स को, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दे रही कि नहीं। यस सर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, वो गाड़ी को असेंबल कर दे रही है, तो मिस्त्री बेरोजगार, जो मिस्त्री जो वहां पे नट बोल्ट कसता था वो बेरोजगार हो जाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने बनाई? आप लोगों ने बनाई, जो जो है यहां पढ़ रहे हो सब चीजें, यस सर। तो आपके जिससे लोगों ने बनाई, ठीक है। अब आपने एक आर्टिफिशियल ऐसा रोबोट तैयार कर दिया जो पूरी गाड़ी को फिट कर देता है, एक या दो चार मिलकर के सब फिट कर देते। यस सर। भारतीय कंपनी में रोबोट काम कर रहा, जहां जहां रिस्की पीरियड जगह है, जहां आदमी को खतरा, चोट लगने का खतरा, वहां सब जगह रोबोट फिट होने लगे। तो अब रोबोट क्या कर रहे हैं, रोबोट क्या कर रहा है, रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, आर्टिफिशियली उसके पास सारा ज्ञान है, ऑपरेशन कर रहे हैं। अब डॉक्टर खाली कंप्यूटर में बैठ के कुछ काम कर रहा है, देख रहा है कि ये ठीक कर रहा है कि नहीं, या कंप्यूटर को थोड़ा बहुत ऑपरेट कर रहा है जितना उसको आता है। तो ये चीज हुई कि आप बेरोजगारी को, सारी मशीन जितनी भी है वो आदमी को बेरोजगार करने के लिए ही मशीन है, मशीन बेरोजगार करेगी, और मशीन को अब रोक नहीं सकता कोई दुनिया, कोई तो नहीं आप हड़ताल आंदोलन कर लोगे, मशीन तो रुकेगी, वो मशीन आदमियों को बेरोजगार करेगी। तो अब हम क्या करें, हमको इसी से जिंदा होना पड़ेगा, और हो रहा है संसार में ऐसा। अब एक बात है कि हम संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हर रोज जितनी इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, हर रोज जितनी नौकरियां निकल सकती, सरकार कितने लोगों को नौकरी दे सकती है, कोई भी सरकार कितनी भी बदल दो आप, कम्युनिस्टों की सरकार, जहां कम्युनिस्ट कहते हैं कि सर्वहारा की सरकार है, सबसे कमजोर की सरकार है, और लेकिन वहां हो क्या रहा, वहां भी तानाशाही है, वहां भी भुखमरी है, वहां भी बेरोजगारी है, वहां भी समस्याएं है। yes, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें नहीं हो, ये होगा, लेकिन अगर जागरूक लोग हों तो इसमें कमी लाई जा सकती, पहले हम बहुत ज्यादा संख्या को नहीं बढ़ते मनुष्यों की संख्या, क्योंकि मनुष्य बहुत बढ़ गए तो कितना भी कुछ कर लो आप बेरोजगारी रहेगी, लेकिन अगर मनुष्यों की संख्या थोड़ी सीमित हो जाए तो संभावना बनती है कि जो वर्तमान में मशीनें हैं उनको अच्छी तरह से चलाने की कुशलता उपयोग करके हम सारे लोग कहीं ना कहीं एक रोजगार को प्राप्त करें। पर अगर हम एक तरफ आदमी इतने बढ़ाते गए, उसके तुलना में मशीनें भी बढ़ते जा रही हैं, और एक मशीन 1,000 आदमियों का काम कर रही, अब एक मशीन 1,000 आदमियों को बेरोजगार कर देती है, तो क्या मशीन को तोड़ देना चाहिए? नहीं सर, डेवलपमेंट भी तो जरूरी है। हमने इतनी बुद्धिमत्ता ने, हमारी मनुष्य मानव जाति की परम बुद्धिमत्ता ने इन मशीनों को बनाया, यानी अस्तित्व ने ही इन मशीनों का जन्म किया। अब ये मशीनें हमारे रोजगार को छीन रही, तो क्या हम इनको तोड़ दें? क्या ये सॉल्यूशन है? कम्युनिस्ट लोग कहेंगे तोड़ दो। अरे सर, वो तो वोट के लिए कुछ भी कहेंगे। अच्छा देखे देखे, जहां भी ये हुआ है पश्चिम बंगाल में, जैसे अगर आप देखोगे, हुआ है कि वहां पे कम्युनिस्टों की सरकारें बनी, सारे कारखाने बंद हो गए, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सब सरकार से मांग करके खाना खाने लगे, भयंकर गरीबी बेरोजगारी का शिकार वहां आज लोग, कोई डेवलपमेंट नहीं है, भीड़ है सिर्फ और डेवलपमेंट नहीं। अब देख ले कहीं पे क्या हो रहा है, खूब ऐसे लगता है कि जनहितकारी सरकार, जनहित ऐसी सरकार, लेकिन क्या वास्तव में है? आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि आप तो सब बंद कर रहे हो। आप कहते हो ये लोग ये हमारा शोषण कर रहे हैं, इनको बंद कर दो, उनको कर तालाबंदी हो, चलेगा भाग गए सारे, कोई अभी इंडस्ट्री जाने को तैयार नहीं, अभी पंजाब बंगाल में इंडस्ट्री जाने को तैयार नहीं है, पंजाब में इंडस्ट्री जाने को तैयार नहीं है, क्यों? कभी भी आंदोलन कर देंगे, कभी भी आकर हमला कर देंगे, तो तोड़ फोड़ मच जाएगी, तो कौन जाएगा ऐसी जगह? कैसे कोई फैक्ट्री खुलेगी? कैसे उसमें जो थोड़े लोगों को रोजगार मिलता था वो भी नहीं मिलेगा? तो बेरोजगारी को बढ़ाने में हमारी विचारधाराओं का भी, राजनीति का भी हाथ। लेकिन बेरोजगारी बेसिकली समस्या तब है जबकि हम नौकरी के संदर्भ में बेरोजगार, कोशिश करनी होगी कि हम स्वरोजगार में जाएं, हम दूसरों को रोजगार प्रदान करें, अपने भाई बंधुओं को सबको समेट करके उनको भी हम काम पर ले सके, ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा नया कुछ करने की क्षमताएं हमको अपने में विकसित करना है। इस बारे में
शुभम अपन चर्चा करेंगे और ये वीडियो को मैं चाहता हूँ आज विश्राम दें अपन और अपन इसको इसको वो कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे सेशंस करेंगे और मैं अपन लोग लाइव सेशन जब करेंगे सारे लोगों को इनवाइट करेंगे, सब अपने अपने प्रश्नों को तुम्हारे साथ रख सकेंगे और अपन कोशिश करेंगे कि सबके जवाब दें, सबका एक साथ जवाब पॉसिबल नहीं, लेकिन अपन एक समय में 10 से 15 लोगों के प्रश्नों को शामिल करेंगे और उनको अपन पारी पारी से सबको मौका देंगे एक प्रश्न पूछने का और उसके उत्तर देने का हम प्रयास करें। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा, तुम्हारी वजह से मैं मुझे ये मौका मिला, बहुत अवसर मिला, मैं तुमको बहुत धन्यवाद देता हूँ और जिनके पास भी ये जाएगा उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हम इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते कि हमको सफल करे अपने मिशन में और सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको सब प्रकार से सफलता मिले, सुख समृद्धि मिले, रोजगार मिले, जो वो चाहते हैं उनके जीवन में उस तरह की सब चीजें उनको प्राप्त हो, अच्छी चीजें सब प्राप्त हो, उनकी बुद्धि अच्छी हो, मन अच्छा हो, वो स्वयं के कल्याण और संसार के कल्याण के लिए प्रेरित तो हुए और उन कल्याणकारी भाव के साथ में मैं आप सबको नमस्कार। थैंक यू सर, तुम भी कुछ कह दो और नमस्कार। तो आप इसी के साथ हम ये सेशन एंड करते हैं और जैसे कि सर ने बोला है, सर हमारे साथ आते ही रहेंगे, मिलते रहेंगे और ऐसी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते रहेंगे, जैसे कि रोजगार से रिलेटेड बातें शेयर करेंगे, बेरोजगारी को कैसे खत्म कर सकते हैं और जो भी आपको चाहे तो पढ़ाई में कुछ दिक्कत हो रही है। संपूर्णता की बात मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ टोटालिटी में हम लोग टुकड़े टुकड़े में नहीं बांटेंगे, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आत्मा परिवार मेरा व्यवसाय मेरी मेरा व्यक्तित्व मेरी संभावनाएं, ये एक टोटालिटी में अपन बात करेंगे, अपन कुछ सबको एक साथ समृद्ध बनाने पूरे जगत को हम अपने साथ अपने साथ में चल रहे सब लोगों को भी लेकर के चलेंगे, यही कल्याणकारी भाव है कि हम भी बढ़ रहे तुम भी बढ़ो सब बढ़े हैं और शत्रुता कहीं नहीं है, प्रतिद्वंदिता तो होगी, कंपटीशन तो होगा और होना ही चाहिए, कंपटीशन से ही हम लोग प्रोग्रेसिव बढ़ते हैं आगे, अगर कंपटीशन ना हो तो सब विकास रुक जाए। यस सर, ठीक, थैंक यू सर, बस सर बस ऐसे सर आते रहिए सर आप, बिल्कुल जरूर जरूर भैया, सबको मैं सबको बहुत नमस्कार, प्रेम पूर्ण नमस्कार।